सनसनी ऑफ इंडिया। नकली पुलिसकर्मी बंकर पार्क में बैठी लड़की और उसके दोस्त को धमकाकर पैसे ऐंठने और लड़की को अकेले में ले जाकर मारने पीटने के साथ सेक्सुअल असॉल्ट के ब्लाइंड केस को द्वारका पुलिस ने हार्ड वर्क और इंटेलिजेंस से सुलझाते हुए आरोपी को धर दबोचा है। आरोपी की पहचान छावला निवासी 38 वर्षीय राजेश कुमार के रूप में हुई है। आरोपी सेना में सूबेदार की पोस्ट से रिटायर है और इस समय कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर गुरुग्राम के एक स्पोर्ट्स स्टेडियम में रेसलिंग की कोचिंग दे रहा है। देखिए, ये मामले का संज्ञान हमें 3 फरवरी को आया। मेरे ही ऑफिस में ये कंप्लेनेंट अपनी बेटी के साथ आते हैं और बताते हैं कि ये घटना इनकी बेटी के साथ 28 जनवरी को हुई है। लगभग 8:30 बजे सेक्टर 23 का थाना पड़ता है, वहाँ के एक पार्क में होता है। उनके विवरण के अनुसार एक युवक युवती एक पार्क में बैठे होते हैं 8:30 बजे और एक आदमी खाकी कलर का कपड़ा पहनकर अपने आप को दिल्ली पुलिस का कर्मचारी बताते हुए इनको डराता धमकाता है और लड़के की पिटाई भी करता है। फिर उसे 5,000 रुपये भी लेता है और उसको वहाँ से भगा देता है। फिर इस लड़की के साथ अकेले में कोशिश करता है कि वो उसके साथ दुर्व्यवहार करे। कोशिश होती है और लड़की किसी तरीके से उसके गिरफ्त से निकल जाती है वहाँ से। ये मामला 28 जनवरी का है मगर इसकी रिपोर्टिंग, इस पर कोई कॉल नहीं थी, इसकी रिपोर्टिंग 3 फरवरी को होती है। मामले का संज्ञान लेते हुए तुरंत ही हम लोग रात को मुकदमा दर्ज करते हैं। लड़की के साथ लूट और सेक्सुअल असॉल्ट में किसी पुलिसकर्मी की भूमिका ने पुलिस महकमे पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने वाले आरोपी को जल्द से जल्द दबोचना और आम जनता का पुलिस महकमे के प्रति विश्वास बनाए रखना डीसीपी द्वारका शंकर चौधरी के लिए अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी शंकर चौधरी ने सेक्सुअल असॉल्ट ब्लाइंड केस को सॉल्व करने और आरोपी को जल्द से जल्द दबोचने के लिए कई टीमों का गठन किया। जांच टीमों ने सबसे पहले क्राइम सीन के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। क्राइम के समय पार्क और पार्क के आसपास एक्टिव लगभग 2,250 मोबाइल फोनों की कॉल रिकॉर्ड और जीपीएस डाटा को भी बारीकी से स्कैन किया लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। क्राइम सीन के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजों को बारीकी से स्कैन करने पर जांच टीमों को इस मामले में पहली लीड सीसीटीवी फुटेज से मिली जिसमें क्राइम सीन के पास एक सस्पेक्ट अर्टिगा गाड़ी और एक शख्स नजर आया। शाम के समय पार्क के आसपास अंधेरा होने के कारण आरोपित का चेहरा और कार की नंबर प्लेट सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर नहीं आ रहे थे लेकिन फिर भी इस लीड पर काम करते हुए पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। द्वारका जिले के करीब 600 पुलिस वालों ने तमाम रेड़ी पटरी वालों और सिक्योरिटी गार्ड से आरोपी की गाड़ी और उसकी फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछताछ की। इसी बीच द्वारका नॉर्थ थाने में तैनात एक कांस्टेबल रितेश ने सीसीटीवी की धुंधली तस्वीर को देखने के बाद बताया कि उसने एक ऐसे ही शख्स को 1 वर्ष पहले पार्क के आसपास घूमते हुए देखा था। उस शख्स का हुलिया सीसीटीवी में दिख रहे युवक से मिलता जुलता है। इस दौरान कांस्टेबल रितेश ने शख्स के गाड़ी के लाइसेंस व स्विफ्ट डिजायर कार की आरसी की फोटो भी ली थी। हम लगभग 600 लोग लगाते हैं इस पर, लगभग 4,000 अर्टिगाज को खंगाला जाता है क्योंकि उस फुटेज में एक अर्टिगा में एक खाकी कलर का व्यक्ति एक ब्लर्ड फुटेज में हमें मिलता है कि उस मौके पे उस पार्क के बगल में था। इस लिमिटेड एविडेंस के आधार पर हम लोग फ़ोन नंबर्स पे भी काम करते हैं, लगभग 2,250 फ़ोन खंगाले जाते हैं और जीपीएस का भी डेटा मंगाया जाता है। मगर फाइनली जो हम पाते हैं कि जो बेसिक पुलिसिंग है, जो हमारे जो बीट कांस्टेबल्स जो रोड में काम करते हैं और चेकिंग करते हैं, उनके कभी एक छोटे काम से भी एक बहुत बड़ी लीड मिल सकती है ऐसे केस में। और जो हमारे आईज एंड ईयर्स स्कीम के जो हमारे भागीदार हैं पब्लिक पर्सन्स, उनके भी इंफॉर्मेशन से कैसे लीड एक ऐसे डिफिकल्ट ब्लाइंड सेक्सुअल असॉल्ट के केस में निकल सकती है, ये उसका परिचायक है। क्योंकि जब परसों से जब हमें लीड मिलनी शुरू होती है तो हमारे कांस्टेबल रितेश होते हैं जिन्होंने इस व्यक्ति को 1 साल पहले दौरानी चेकिंग इसकी आरसी का फ़ोटो रख लिया था अपने फ़ोन पे और जो ब्लड फुटेज है उससे कुछ मैच खाता हुआ ये फ़ोटो दिखता है। और फिर जो हमारे और जो स्टाफ है वहाँ पे, एक नारियल पानी वाला है जो हमारे आईज एंड ईयर्स स्कीम में भागीदार है सिटी मॉल के पास, तो उससे ये जानकारी मिलती है कि ये जो व्यक्ति है उसमें इसने इसको देखा गया है इस इलाके में, वहाँ से लीड डेवलप होती है। पुलिस टीम ने लाइसेंस पर दिए गए पते पर छापेमारी की तो पता चला कि आरोपी कभी इस पते पर किराए के मकान में रहता था लेकिन काफी समय पहले किराए का मकान खाली करके जा चुका है। आरोपी ने जिस डीलर से गाड़ी खरीदी थी उस डीलर का नाम और पता आरोपी की आरसी से जांच टीम को मिल गया।
दिल्ली पुलिस ने कार डीलर से जब गाड़ी की जानकारी जुटाई तो आरोपी का मोबाइल नंबर मिला जो कि फिलहाल बंद था। जांच टीम ने आरोपी के बंद मोबाइल के पिछले एक साल की कॉल रिकॉर्ड खंगाली तो पता चला कि वो अपने एक दोस्त से काफी ज्यादा बातचीत करता है। पुलिस टीम ने इस दोस्त को पकड़ा जिसने उन्हें राजेश का घर दिखाया। पुलिस टीम शख्स के घर पहुंची, वहां सस्पेक्ट अर्टिगा कार खड़ी थी। पुलिस ने कार मालिक राजेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने नकली पुलिसकर्मी बनकर वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली और बताया कि उसने हाल ही में स्विफ्ट कार के बदले अर्टिगा कार ली है। पुलिस ने आरोपी के पास से कार के साथ ही खाकी पैंट और उसका मोबाइल फोन बरामद किया है। आरोपी की पहचान छावला निवासी 38 वर्षीय राजेश कुमार पुत्र ताराचंद के रूप में हुई है। फाइनली हमें एक नंबर मिलता है, नंबर के आधार पे हम इसके एक दोस्त तक पहुंचते हैं। उस दोस्त के आधार पे हम फाइनली इसके उस पिन पॉइंटेड हाउस में पहुंचते हैं। ये छावला का रहने वाला है और पीछे से ये सोनीपत का है। जब इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा अप्रिहेंड किया जाता है तो पता चलता है कि ये दिल्ली पुलिस का कोई कर्मचारी नहीं है। ये स्पोर्ट्स कोटे से आर्मी में 2002 में भर्ती हुआ था और सूबेदार हेड कांस्टेबल के रैंक पे भर्ती हुआ था। सूबेदार रिटायर किया है 2019 में। उसके बाद ये एक हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्चुअल रेसलिंग कोच का काम करता है अभी प्रेजेंटली। और इसके अप्रिहेंशन के साथ हम वो अर्टिगा गाड़ी रिकवर कर लेते हैं, इसका वो ड्रेस रिकवर कर लेते हैं, फ़ोन रिकवर हो जाता है जिसमें कि जब ये घटना कर रहा होता है, वो जब दुर्घटना होती है तो ये उस युवती के फ़ोन से अपने फ़ोन पर एक कॉल मारता है ताकि ट्रू कॉलर में उस लेडी का नाम आ जाए कि क्या नाम है और उसका नंबर इसको मिल जाए ताकि आगे भी ये अगर मौका मिला तो ये छेड़खानी करेगा या उस लड़की को युवती को परेशान करेगा। शायद इसकी ये मॉडस ऑपरेंडी पहले भी रही होगी। तो ये जो क्लिंचिंग एविडेंसेस हैं इसके साथ हमने इसकी गिरफ्तारी कर ली है, आगे की तफ्तीश अभी जारी। आरोपी स्पोर्ट्स कोटे के जरिए सेना में भर्ती हुआ था और सूबेदार के पद से 2 साल पहले ही रिटायर हुआ है। रिटायरमेंट के बाद राजेश कुमार हरियाणा के एक स्टेडियम में रेसलिंग की कोचिंग देने लगा था। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम, सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में।